हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों पर होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं आज हमने क्या बनाया है। ये देखिए, आज हमने एक नाइट क्रीम बनाई है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्रीम बनी है ये। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमने ये क्रीम कैसे बनाई है और इसको हमें यूज़ कैसे करना है। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आपको देखने को मिले। और नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन आप ऑन कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी हर एक वीडियो देखते रहें। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो को हमने कैसे बनाया है। उसके बाद आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो आज जो वीडियो हमने बनानी है, उसके लिए हमें लेना है ये कोकोनट ऑयल है। ये मैं नॉर्मल कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अगर आप लोगों के पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो ज़्यादा बेटर है कि आप फेस के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मेरा वर्जिन कोकोनट ऑयल अभी ख़त्म हो गया, तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ अभी। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले लिया है। अब नेक्स्ट हमें इसमें जो लेना है, हम इसमें लेंगे ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है। तो आप इसमें कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक एलोवेरा जेल खादी का है, ये ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल है, आप इसमें कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। तो अभी हम इसमें 2 टेबल स्पून हमें एलोवेरा जेल ले लेना है। अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही फाइन पेस्ट मिल गया है हमें। तो हमने इसे जितना हम इसे मिक्स कर सकते हैं उतना हमें इसे मिक्स करना है। जब आप लोग देखें कि इसका बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, तो आप इसे तब तक मिक्स करते रहें जब तक आपको ऐसा पेस्ट ना मिले। अब हमें इसमें नेक्स्ट जो ऐड करना है, हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। हमें इसमें ज़्यादा लेमन नहीं लेना है, हमें इसमें सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप हमें लेमन की लेनी है। लेमन हम इसमें इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब होगी, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अच्छी स्मेल के लिए हम इसमें लेमन यूज़ कर लेते हैं। तो हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप ऐड करना है। अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी बना रहे हैं जो आपको लगता है कि रखने से वो ख़राब हो जाएगी, तो लेमन उसे ख़राब होने से भी बचाता है। तो हमने इसके अंदर लेमन यूज़ कर लिया है। अब देखिए, ये हमें बहुत ही अच्छा एक स्मूथ पेस्ट मिल गया है और ये हमारी जो नाइट क्रीम है वो बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे एक कंटेनर के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं इसे ट्रांसफ़र करती हूँ एक कंटेनर के अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक खाली डिब्बी ले ली है, मेरे पास ये खाली डिब्बी पड़ी हुई थी। आप भी इसी तरह की कोई डिब्बी आपके पास खाली पड़ी हुई है या फिर कोई बॉटल है, तो आप उसके अंदर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी हम इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, ये देखिए, ये हमारी नाइट क्रीम बनके रेडी है। तो हम इसे इसी किसी तरह के डिब्बी के अंदर ट्रांसफ़र करके इसको आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। आप इस चाहें तो इसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप इसे नॉर्मली अपने अलमीरा या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये आपने ज़्यादा नहीं बनानी है, ये आपने 7 दिनों के लिए बनानी है और इसको फटाफट लगा के ख़त्म कर लेनी है, और उसके बाद फिर से दूसरी बना के यूज़ करनी है। तो आइए हम देखते हैं ये कैसी बनी है। एक बार हमें इसमें थोड़ी सी हम लेंगे ये देखिए, बहुत ही अच्छी ये क्रीम बनी है। तो आप इसे रात को सोने से पहले ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करके और फिर सोएं, इसे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं स्किन पे कितना फ़र्क लगा है इसको लगा के। तो इसी तरीके से आप इसको बनाएं और आप इसको बना के स्टोर करके रखें, आप इसे यूज़ करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।